मैं अगर कहीं गाली दे रहा हूँ ना, मैं उसे स्क्रॉल कर, मैं देख ही नहीं पाता, मैं खुद को नहीं देख पाता भाई। तो रजत दलाल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वो जब भी गुस्सा होते हैं या फिर किसी कंट्रोवर्सी में होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गालियां देते हैं, और गालियां दे देकर वो जो बात करते हैं ये चीज उनके फैंस को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पसंद भी है। और अपने इसी बात करने के तरीके की वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुए हैं, यानी कि रजत दलाल का इस तरीके से बोलना लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी है। पर सच बात तो ये है कि रजत दलाल को खुद ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो गालियां दे, और जब भी वो खुद का कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जिसमें कि वो गालियां दे रहे हैं तो ये चीज उनको खुद बहुत ही बुरी लगती है। तो अपने इस गाली देने वाले बुरे बिहेवियर के बारे में उन्होंने क्या बोला है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरी कोई भी कट निकला पड़ा होता है ना किसी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं देखता, मुझे लिटरली बहुत चीजें देख के ना शर्म आती है। अगर मैं कहीं, मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अगर कहीं गाली दे रहा हूं ना, मैं उसे स्क्रॉल कर, मैं देख ही नहीं पाता, मैं खुद को नहीं देख पाता भाई। पर जिस टाइम मैं वो चीज़ कर रहा हूँ ना, उस टाइम मेरे को लगता है मैं ठीक, मेरे पार्ट में बहुत गलतियाँ हुई मान रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा मैं गालियाँ वालियाँ कम दूँ भाई। वो फ्लो में निकलती है यार, वो जानबूझ के कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता कि मैं इस हिसाब से जाऊंगा या उस हिसाब से जाऊंगा। आई डोंट थिंक आपको गाली के लिए इतना सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि फ्रैंकली ये हमारा स्लैंग है ना, डायलेक्ट है। मैं आपकी सारी चीज़ समझ रहा हूँ, मेरे घर वालों ने कभी मेरा इंस्टाग्राम नहीं देखा था, कभी नहीं देखा, अभी वो इंस्टाग्राम पे भी नहीं है भाई। मेरे रिलेटिव बहन से घर फोन कर रहे हैं कि ये मेरा घर का नाम गुल्लू है, कि ये गुल्लू गालियां दे रहा है इंस्टाग्राम पे। भाई मेरे घर वालों ने फोन करा, उनने बोला तो बात रखनी पड़ेगी, मतलब जितनी कम से कम होगी मैं भाई अपने लोगों की बात नहीं काटी जाती। मैंने उस दिन के बाद से बहुत कम कर दिया, मैंने कि मेरे पापा ने बोला तू कुछ भी कर, लड़ाई पंगे करने कर, जेल जूल काटनी है काट, सर्वर छूट फुटवा, पर ये गाली मत दे किसी की माँ बहन को। तो भाई उस टाइम ना वो चीज़ थोड़ी सीरियस ना हिट हो। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रजत दलाल ये जानबूझकर करते हैं या फिर सच में उनको कोई गाली देने वाली बहुत ही बुरी आदत है, इस बार आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए खबरी मैन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।